एपिसोड 1 में हमने देखा कि किस तरीके से नारुतो की शुरुआत होती है और कैसे उसके अंदर नाइन टेल को सील कर दिया जाता है और किस तरीके से नारुतो पूरे विलेज के अंदर शैतानी करता घूमता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखता है कि नारुतो गया होता है अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, जहाँ पे फोटोग्राफर उसे कहता है ए बच्चे तुम्हें पक्का विश्वास है ना तुमने ऐसी फोटो खिंचवानी है। उसके ऊपर नारुतो जवाब देता है हाँ हाँ भाई तू ऐसे ही खींच दे मुझे ऐसे ही खिंचवानी है। और ये सब होने के बाद हमें अगले सीन के अंदर दिखता है कैसे नारुतो वापस से अपने स्कूल में गया हुआ होता है, जहाँ पे उसके सामने वो आगे बैठे होते हैं और आगे अपने हाथ में वो फोटो लिए हुए होते हैं और नारुतो से पूछते हैं क्या तुम्हें पक्का विश्वास है तुम यही फोटो रखना चाहते हो। नारुतो उसके बाद कहता है हाँ मुझे पक्का विश्वास है। उसके बाद नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु दिखाता है, सेक्सी जुत्सु से वह एक क्यूट लड़की में तब्दील हो जाता है जिसे देख के वो आगे भी बेहोश हो जाता है और उनकी नाक से खून निकलने लगता है। नारुतो भी हैरान हो जाता है ये बुड्ढा क्या ही ओकागे बनेगा। ठीक होके ओकागे वापस बैठता है तो नारुतो को कहता है ऐसा वाया जुत्सु आज के बाद कभी मत करना। उसके बाद नारुतो से ओकागे पूछते हैं कि तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है, तो नारुतो जवाब देता है कि मैंने अपना हेडबैंड रखा हुआ है ताकि वो खराब ना हो और जब मेरा एक बार एडमिशन हो जाएगा उसके बाद मैं उसे पहना करूंगा। उसके बाद ओकागे उसे कहते हैं हेडबैंड की तो इतनी चिंता है लेकिन जो ये फोटो जो तुम्हारे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली है जो तुम्हारी पहचान है उसको वैसे ही रखना चाहते हो। और नारुतो जवाब देता है हाँ। उसके बाद हमें दिखता है कि एक बच्चा गेट वे से देख रहा होता है, खुलकर ओकागे की तरफ भागता है एक निंजा स्टार के साथ और वो कहता है दादाजी मैं तुम्हें चैलेंज रखता हूँ और मैं तुम्हें हरा के ग्रेटेस्ट निंजा बन जाऊंगा। और ये करते करते वो फिसल के मुंह के बल गिर जाता है और इसे देख के ओकागे कहते हैं और ये है मेरी दूसरी मुसीबत मेरा पोता। और इतनी ही देर में उस बच्चे का जो दिखने में एक बॉडीगार्ड लगता है उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और जो बच्चा गिरा होता है वो कहता है किसी ने मुझे गिरा दिया और उसको देखने के बाद उसका बॉडीगार्ड भी कहते हैं क्या यंग मास्टर आप ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको गिरा दे। उसके बाद वो छोटा बच्चा यहाँ वहाँ देखता है और देखता है कि एक लाल पोशाक में लोंडा बैठा हुआ होता है जो कि होता है अपना नारुतो। नारुतो भी अपने मन में सोचता है एक कैसा बेवकूफ वाला का भाई। और जैसे उसका बॉडीगार्ड भी देखता है कि वहाँ पे असल में नारुतो बैठा हुआ होता है तो वो भी मन में कहता है अरे ये तो वही नाइन टेल वाला लोंडा है जो हमेशा हर समय मुसीबत करता रहता है। और जैसे वो बात मन में सोच रहा होता है वैसे ही वो छोटा लड़का नारुतो की तरफ जाता है और कहता है जिसने मुझे गिराया। और जैसे वो छोटा बच्चा ये बात नारुतो को कहता है नारुतो उसकी गुद्दी पकड़ लेता है बहन के टके मैंने तुझे कब गिराया था तू अपने आप गिरा है बोला हो गया है। नारुतो उसको पकड़ लेता है गुद्दी से वैसे ही उसका बॉडीगार्ड बताता है नारुतो को ये तुम ये क्या कर रहे हो ये लोंडा और कोई नहीं ग्रैंडसन है ग्रेट ओकागे का। और जैसे नारुतो ये सुनता है तो एक बारी के लिए रुक जाता है और जैसे ही कोनो अमरू भी ये बात सुनता है अपने मन में कहने लगता है रुक गया ना मुझे पता था अब ये बात सुनने के बाद ये हाथ तो क्या एक उंगली भी नहीं उठा पाए। और उसके बाद जो छोटा लड़का जिसका नाम कोनोहाब्रू है वो नारुतो को कहता है क्या हुआ टफ गए तुम डर गए क्या मुझे लगा कि तुम मुझे मारने वाले थे फट गए क्या मेरे दादाजी की सुन के। और उसके बाद नारुतो उसका जवाब देता है बेटे मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो तेरा दादा दादी कुछ भी लगता हो ये ले। और ये कहते ही नारुतो बढ़िया सा बजा देता है उस छोटे लोंडे को हिट डिजर्वड। और जैसे कोनोहाब्रू को एक बढ़िया सा पड़ता है तो वो बेहोश होने से पहले मन में एक बात सोचता है ये तो कुछ अलग था। और इसी बीच ओकागे सोचता है भाई ये क्या बकचोदी चल रही है मेरी आगे इनको सरम वरम नहीं है क्या। और जैसे कोनोहाब्रू वापस नॉर्मल होता है तो उसका बॉडीगार्ड उसे समझाता है तुम महान हो तुम अपने दादा के पोते हो तुम ऐसे किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते चाहे वो ये पीटना डिजर्व भी करता था। और जैसे वो उसे ये ज्ञान दे रहा होता है इतनी बार में जब वो आंख खोल के देखता है तो वो लोंडा गायब हो जाता है। तो ओकागे उसे बताते हैं अरे वो तो नारुतो के पीछे पीछे भाग गया। और जैसे ये बात उसके बॉडीगार्ड को पता चलता है तो उसके भागने लग जाते हैं कि अरे ग्रेट ग्रैंडसन तुम कहां जा रहे हो। और जैसे ये सब सीन हो जाते हैं उसके बाद हमें ओकागे दिखता है वो मन में कुछ बात सोच रहा होता है वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से ये मेरा पोता दिन ब दिन ऐसा बदतर कैसे होता जा रहा है। और उसके बाद वो सोचता है कि नारुतो के साथ रहेगा तो क्या वो और बदतर तो नहीं हो जाएगा लेकिन फिर वो सोचता है कि नारुतो कोई गलत चीज तो उसे सिखाएगा नहीं। और उसके बाद हमें देखते हैं कि नारुतो शहर में से गुजर रहा था और उसका पीछा कोनोहाब्रू कर रहा होता है। और जैसे नारुतो पीछे मुड़ता है कोनोहाब्रू छुपने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो उसे देख लेता है और नारुतो कहता है तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कोनोहाब्रू उसे कहता है कि मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा खास हो और ताकतवर हो। इस वजह से कोनोहाब्रू नारुतो को कहता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हारा शिष्य और तुम मेरे मास्टर हो और तुम मुझे वो सेक्सी जुत्सु भी जरूर सिखाना जिससे तुमने दादाजी को बेहोश कर दिया था। सब ये सोच रहे भाई बुड्ढा काहे का ओकागे बनेगा इसे तो मैं पीट। और नारुतो जब ये सब सुनता है तो नारुतो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। उसके बाद कोनोहाब्रू कहता है नहीं नहीं बॉस तुम सच में मेरे मास्टर बन जाओ। पर नारुतो जैसे ही बॉस वर्ड सुनता है तो नारुतो के भी कान कटे जाते। अब नारुतो पूरे बचपन से रहा है आइसोलेटेड उसका कोई खास दोस्त नहीं था और पहली बार इतनी एडमायरेशन की बात है सुन के नारुतो भी पिघल जाता है। उसके बाद अब ऐसे दिखता है किस तरीके से नारुतो कोनोहाब्रू को चीजें सिखा रहा होता है और समझा रहा होता है कि चाकरा वगैरह क्या होता है। और उसी वक्त नारुतो उसको समझाता है कि किस तरीके से हम एक महान निंजा बन सकते हैं।
फिर नारुतो उसको एक लड़की की तरफ बात करके इशारा करके कहता है कि तुम उसमें तब्दील होके दिखाओ। उसके बाद जब कोनो अमरूज में तब्दील होता तो उसे मोटी भैंसी बना देता है और उसके बाद वो लड़की वो सब चीज़ें देख लेती है और नारुतो को एक बढ़िया सा सेक देती है और कोनो अमरू को प्यार से समझाते हैं कि ग्रेट ग्रैंडसन अगली बार जब ऐसे मेरे अंदर तब्दील हो तो एक अच्छी क्यूट लड़की बनना। और ये सब होने के बाद नारुतो उसको एक अडल्ट बुक शॉप में लेके जाता है और वहाँ से पिटने के बाद फिर वो उसे एक बाथ हाउस में लेके जाता है और इन सब जगह पे अकेला नारुतो ही पीटता और नारुतो ये बात सोच रहा था बाद में, अरे यार हर बार मैं ही क्यों पीटता हूँ। इसके बाद कोनो अमरू कहता है आई एम सॉरी मास्टर, ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं ग्रैंडसन हूँ होकागे का। उसके बाद नारुतो कहता है अरे यार छुट्टी वुट्टी बात था कि टेंशन ना लिया करता भाई मतलब उसे। उसके बाद नारुतो कोनो अमरू को कहता है कि अब लगता है समय आ चुका है प्रैक्टिस करने का उस सेक्सी जुजु का और नारुतो कोनो अमरू को करता है चलो यार प्रैक्टिस करके देख। तो दिखता है कि किस तरीके से जो उस लोंडे का बॉडी गार्ड कम उसका टीचर होता है वो ढूंढ रहा होता है और देख रहा होता है वो लोंडे कहाँ चले गए। उसके बाद वो कहता है जो मेरे स्टूडेंट को खराब करने की कोशिश करेगा उसे तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। उसके बाद हमें देखते हैं किस तरीके से नारुतो और कोनो अमरू बैठे हुए थे और नारुतो कोनो अमरू से पूछता है कि तू तुम्हारा रिलेशन कैसा अपने दादा। कोनो अमरू कहता है कि बस ठीक है मेरे दादा ने मेरा नाम एक पुराने विलेज के ऊपर रख दिया जिसका विलेज का नाम था कोनो अमरू ताकि उन्हें आसानी से याद रहे, लेकिन इस पूरे विलेज के अंदर कोई भी मुझे कोनो अमरू के नाम से नहीं पुकारता है और कोनो अमरू को लगता है कि जैसे वो सिर्फ एक शैडो बन के रह चुका है। उसके बाद नारुतो कहता है यार चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोनो अमरू बताता है किस तरीके से वो होकागे बनना चाहता है ताकि हर कोई उसे कोनो अमरू के नाम से जाने और सिर्फ ग्रैंडसन ऑफ होकागे के नाम से ना जाने। उसके बाद नारुतो कहता है कि बच्चे ये इतना आसान नहीं है, अगर हर कोई सिर्फ होकागे कहता दौड़ता रहा तो वो होकागे नहीं बन। होकागे करने के लिए करनी पड़ती बहुत ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा एक जरूर, और कोनो अमरू जैसे ये बात सुनता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे होकागे बनते हैं तो कोनो अमरू से बनता है कि वो चीज़ क्या है। उसके बाद नारुतो कूल बन के उसको कहता है वो है मुझे एक फाइट के अंदर हराना। तो वह दिखते हैं किस तरीके से होकागे खड़ा हुआ था और पीछे से होकागे क्या नारुतो ने फाइनली अपनी निंजा पिक्चर खिंचवा ली है और सबमिट कर दी गई है। और उसके बाद होकागे को बताते हैं किस तरीके से उन्होंने रात को नारुतो को एक बढ़िया लेक्चर दिया था कि किस तरीके से उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन्हें नारुतो को एक लेक्चर दिया था। लेकिन उसके बाद होकागे उन्हें बताते हैं अफसोस मुझे नहीं लगता कोई इतनी जल्दी तकदीर हो सकता है। उसके बाद होकागे टेंशन उस टीचर को एक बात बताते हैं, सच्चाई तो ये है कि नारुतो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, अफसोस ये है कि आज भी नारुतो को लोग अपनाते नहीं अच्छे से, चाहे ये बात सिर्फ कुछ लोगों को पता हो जो जिन लोगों ने वो 12 साल पहले दरिंदगी देखी जिस तरीके से उस नाइन टेल ने इस गांव को नष्ट कर दिया था और जो भी लोगों ने वह देखा था वह ये दृश्य देखते ही सहम गए थे और इस वजह से वह भी नारुतो से डरते हैं। हालांकि फोर्थ होकागे की इच्छा के ऊपर मैंने ये बात ज़रूर बना के रखी कोई भी इसके बारे में बात ना करे और जो भी बात करे उसको सजा दी जाए, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं बरक पड़ जाते हैं और जैसे ये बात उन्हें पता चलती है और वो नारुतो की तरफ देखते हैं तो नारुतो से डरते हैं, उसे घिन करते हैं, उससे दूर भागते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं से ना किसी दिन वो नाइन टेल नारुतो के ऊपर कब्जा कर लेगा या फिर कुछ तो सोचते हैं कि वह नाइन टेल नारुतो ही है। लेकिन हालांकि अभी तो बच्चों को ये बात पता नहीं, लेकिन जिस दिन भी बच्चों को ये बात पता चल जाएगी तो जो भी नारुतो की कुछ प्रतिशत चांसेस है उन सब में घुलने मिलेंगे, वह सब खत्म हो जाए। हालांकि जब फोर्थ होकागे ने छोटे से बच्चे जिसका नाम नारुतो है उसके अंदर उस नाइन टेल को कैद करा था तो फोर्थ होकागे की इच्छा थी कि नारुतो को एक हीरो के तौर पर सब लोग जाने, लेकिन फिर भी आज के समय पर सच्चाई ये है कि लोग उससे डरते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं वे नारुतो को अपनाएंगे नहीं। उसके बाद वो होकागे बताते हैं उस टीचर को जानते हैं हमारे बूढ़े लोग क्या कहते थे इस तरीके के व्यक्ति के लिए, जब भी इस तरीके के व्यक्ति होते हैं तो लोगों के लिए उसका होना ना होना बराबर हो जाता है, कहने का मतलब है वो जिंदा मुर्दा एक समान है और लोगों के लिए वो और कुछ नहीं सिर्फ एक छाया है। जैसे ही हम ये बात सुनते हम देखते हैं उसका बॉडीगार्ड नारुतो और कोनो अमरू के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो बात सुननी थी वैसी ही बात हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से उसके ट्रेनर की आंखों में नारुतो के लिए सिर्फ नफरत और हेट थी और वह सच बताएं तो एक पल भी नहीं लगाएगा और एक आंसू भी नहीं टपकाएगा अगर उसी क्षण नारुतो मर भी जाए। बॉडीगार्ड कोशिश करता है कि कोनो अमरू को वापस ले जाए लेकिन कोनो अमरू पूरी कोशिश करता है कि वो न जाए और जिद करता है कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं जल्दी अपने दादाजी को हरा दूंगा। उसके बाद कोनो अमरू अपना सेक्सी जुत्सु दिखाते अपने ट्रेनर को जिसे देख के भी ट्रेनर चौंक जाता है और यूज करता है अपना शैडो क्लोन जुत्सु जिसे देखकर वो ट्रेनर भी कहता है अरे ये बच्चों भाई मैं कोई छोटा मोटा मिजुको नहीं हूँ, मैं एक रियल निंजा हूँ, ये सब छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और ये सब चीजें होकागे भी देख रहा होता है अपने बोल से नहीं अपनी जादुई गोले से। उसके बाद नारुतो यूज करता है उन सब शैडो क्लोन्स के ऊपर सेक्सी जुत्सु। उसके बाद नारुतो अपनी सेक्सी जुत्सु को मिक्स कर देता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु से जिसे देख के
उसका ट्रेनर भी चौंक जाता है और वो ट्रेनर भी बेहोश हो जाता है और नारुतो उस जुत्सू का नाम देता है हैरम जुत्सू। इसे देखते ही होकागे भी सोचता है कि उसने शैडो क्लोन जुत्सू को अपने सेक्सुअल जुत्सू से मिला दे, ये कितना बेहुदा जुत्सू है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा कारगर है कि मेरे ऊपर भी काम करता है। कुरोमा अमरुद चलाता है, अरे यार ये आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया, अगर ये आइडिया मेरे पास आता तो मैं भी इसे हरा देता। उसके बाद नारुतो उसको एक बात बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, होकागे बनने के लिए तुम्हें सबसे अच्छा निंजा बनाऊंगा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा ताकि सब तुम्हें माने। मुझे देखो, मैंने बहुत कुछ छीना है, लोगों ने मुझे बुरा किया, तुम्हें मराया, मेरी सब गलत खत्म किया, पर मुझे नहीं एक इंसान मिला जिसने मुझ पर भरोसा किया, पर उसकी एक इंसान के मिलने से पहले बहुत कुछ था है मैंने, तो अच्छा होगा अगर तुम इसके लिए तैयार हो। किस दिन हूँ चाहने के लिए और आंसू बहाने के लिए और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हरियाणवी ओटाकू पर।